न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने वापसी करते हुए 62 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। इस दौरान 6 फीट 8 इंच के सबसे लंबे कीवी बल्लेबाज काइल जेमिसन को बुमराह की एक घातक बाउंसर का शिकार होना पड़ा और ये बाउंसर सीधे उनके सिर पर लगा, लेकिन हेलमेट के कारण उनका बचाव हो गया और कोई अनहोनी नहीं हुई। दरअसल बुमराह 73वां ओवर करने उतरे तो स्ट्राइक पर जेमिसन थे। बुमराह ने सीधी बाउंसर फेंकी जिसे जेमिसन खेल नहीं पाए और गेंद बैट से न लगते हुए सीधे हेलमेट पर लगी। गेंद इतनी तेज थी कि इसका प्रभाव हेलमेट पर देखने को मिला। इस खतरनाक बाउंसर के कारण एक बार फिर मैदान में सन्नाटा छा गया था, लेकिन वे बाल बाल बच गए। इसके बाद उनकी जांच की गई और वो एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए तैयार हो गए। बुमराह के ओवर के बाद अगले ओवर में जेमिसन को मोहम्मद शमी के हाथों अपना विकेट गंवाना पड़ा। शमी के ओवर की पहली गेंद पर वे ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट हुए और अर्धशतक से चूक गए। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।